अंत न सिफती कहण नांत अंत न करणे देण नांत अंत न वेखण सुणन नांत अंत न जापे किया मन मंत अंत न जापे किता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण केते बिललाही ताके अंत न पाए जाही एह अंत न जाने कोई बोता कहिए बोता होई वड्डा साहिब उच्चा थाओ उच्चे ऊपर उच्चा नाओ ए वड उच्चा होवे कोई तिस उच्चे को जाने सोई जे वड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात अंत न सिफती कहण न अंत कोई अंत नहीं है उस वाहेगुरु की महिमा का उसकी माया का अनंत है उसके गुण उसकी कृपा उसका गुणगान करने वाले भी कम नहीं है जहां देखो भक्तों की टोलियां गा रही हैं जप रही हैं उसका नाम Endless are his praises and endless are those who sing them, who speak of them. Just look around and you will find all temples, gurudwaras, mosques and churches full of devotees chanting his name day and night. Ant na karne den na ant. Asim kripa hai uski. समस्त सृष्टि के प्राणियों पर क्या नहीं करता वो परम पिता अपनी संतानों के लिए अनगिनत उपहारों से नेमतों से तोहफों से भर दिया है उसने हमारा संसार कभी नहीं हटता उसका वरद हस्त हमारे शीश से उसके आशीर्वाद की संपत्ति से भरा पड़ा है हमारा जीवन जिसका प्रमाण है हमारी सफलताएं हमारी समृद्धि हमारा ज्ञान हमारा बुद्धि बल हमारी शक्ति हमारा सामर्थ्य एंडलेस आर हिज एक्शंस हिज ब्लेसिंग्स देयर इज नथिंग दैट ही कैन नॉट डू फॉर हिज डिविटीज जस्ट लाइक अ फादर लुक्स आफ्टर हिज चिल्ड्रन ही हैज फिल्ड आवर लाइव्स विद काउंटलेस गिफ्ट्स ट्रेजर्स एंड प्लेजर्स ही इज ऑलवेज देयर hand-holding us, helping us sail through our difficult times. Our successes, our riches, our capabilities, our strengths, both physical and emotional, our wisdom, intelligence and knowledge are all nothing but His grace, His endowment. अंत न वेखण सुणन न अंत उस परमेश्वर की दृष्टि उसकी नजर सदा सर्वत्र विद्यमान है वो स्वयं दिखता नहीं किंतु सब देख रहा है कुछ नहीं छिपा उसकी नजर से सब सुन रहा है वो सर्वत्र कान है उसके उसको तो वो भी सुनाई देता है जो जुबान पर भी नहीं आ पाया कभी एंडलेस इज हिज विजन His one glance is enough to see the entire universe, to see the entire creation all at once, to look into our entire journeys through time, bygone, present and beyond. Endless is His hearing. He is all ears, all over, all around. He can even hear what has not been said yet. अंत न जापे किया मन मंत उसकी सत्ता की कोई सीमाएं नहीं है वो तो सर्वत्र है कहां से प्रारंभ होता है उसका अस्तित्व और कहां तक चलती है उसकी सत्ता ऐसा प्रश्न ऐसा विचार ही निरर्थक है बेमानी है
अत्यंत ही गूढ़ विषय है यह, मन मस्तिष्क से परे। उस वाहेगुरु के रहस्य को समझना स्वयं एक रहस्य है। His limits cannot be perceived. He is omnipresent, everywhere, limitless. There is no beginning and no end to his existence. Questioning the extent of his existence is a totally mindless thought. He is a mystery unknown, a secret that never unveils, beyond any human perception or thought. His mind is a mystery unsolved. Ant na jape kitaakar, ant na paave paravar. ना उस परमेश्वर की कोई सीमा है और ना ही उसकी रची सृष्टि की। कोटि कोटि ब्रह्मांड है यहां जिनमें हमारा स्थान सुई के नोक के बराबर भी नहीं। इस अनंत सृष्टि की सीमाओं का आभास तक साधारण मनुष्य के मस्तिष्क की सीमाओं से बाहर है। जब हम अपनी इस छोटी सी दुनिया के पारावार का ही रहस्य नहीं खोल पाए हैं तो भला उस परमात्मा की रचना के रहस्य तक क्या पहुंच पाएंगे। मानव मन मस्तिष्क से परे है यह विषय। द लिमिट्स ऑफ द क्रिएटेड यूनिवर्स कैन नॉट बी परसीव्ड। देर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज अमंग विच आर एग्जिस्टेंस इज नॉट इवन इक्विवेलेंट टू द पॉइंट ऑफ अ नीडल। इट्स लिमिट्स हियर एंड बियॉन्ड cannot be perceived even by the most enlightened human mind. Ant karan kete bilalahi, taake ant na paaye jaahe. Asankhya logon ne, sadhakon ne, athak prayatn kiye hain uski seemaon ko bhedne ke, uski srishti ke rahasyon ko janne ke. Manushy dwara antariksh ka bhedan aur atikraman उसके इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं शायद, किंतु सरल नहीं है उस अनजान अनिश्चित असीम क्षेत्र के दूसरे छोर को पकड़ पाना, खोज पाना इस सृष्टि की भूल भुलैया में उस अनंत परमेश्वर का आरंभ और अंत। Countless yogis, aspirants have been wandering since eternity, trying to find you, trying to look for even a small clue about your being around, your form, your feel. Countless explorers have been struggling to know your limits, your extent, but none of those efforts have seen success. Eh ant na jaane koi, bohta kahiye bohta hoy. अथक प्रयासों के पश्चात भी आज तक कोई नहीं जान पाया है उस परमात्मा की सीमाएं, उसका विस्तार। बहुतों ने कहा, सुनाया, बखाना, गाया, लेकिन कितना भी गाया वो कम ही रहा। उससे कई गुना ऐसा है जिसका कोई ज्ञान नहीं है किसी को। जितना खोजो उसे, उसका रहस्य उतना ही गहरा होता जाता है। ऑल ह्यूमन एंडेवर्स in search of the supreme power have been in vain. No one can know these limits. The more you say about them, the more there still remains to be said. His mystery deepens further as you try to get close to it, get deep into it. Vadda sahib uncha dhao, unche upar uncha nao. वो सच्चा साहिब, वो वाहे गुरु संसार की समस्त ऊंचाइयों से भी ऊंचा है। उस तक किसी ज्ञानी ध्यानी पीर फकीर की पहुंच नहीं। उसके ऊंचे दरबार तक कोई नहीं पहुंच सका है अब तक। और उससे भी ऊंचा है उस परमेश्वर का नाम। बस यही नाम है वो सरलतम मार्ग उस ईश्वर को प्राप्त करने का, उस तक पहुंचने का। ग्रेट इज द मास्टर, हाई इज हिज हेवनली अबोड, हाई इज हिज स्टेटस,
highest of the high, and still higher is his name. It's beyond the reach of any saint, yogi, any peer, fakir. His name is the one and only solace, the one and only way to reach the Almighty. Eva ucha hove koi, tis uche ko jaane soi. उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए उसी के समान ऊंचा होना होगा, उन्हीं ऊंचाइयों तक पहुंचना होगा जो मनुष्य के लिए संभव नहीं। इंसान की लाख कोशिशों के बाद भी उसका कद इतना ऊंचा नहीं हुआ है कि वो ईश्वर को छू सके। ओनली द वन एज ग्रेट एंड एज हाई एज गॉड हिमसेल्फ कैन नो ऑफ हिज lofty and exalted state. No man can ever reach there. In spite of all his laurels, all his victories over disease and suffering, all the feathers in his cap of various kinds, he can never reach that height from where he can get a sneak peek of the Almighty. जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। ओ नानक, वो वड्डा साहिब, वो परमेश्वर, वो वाहे गुरु, वो सबसे ऊंची सबसे बड़ी महाशक्ति है। वो स्वयं ही स्वयं को जानता है, उसके सिवाय किसी अन्य की उस तक पहुंच हो ही नहीं सकती। और हमारी पहुंच कहां तक हो सकती है वो भी हमारे कर्मों के प्रभाव से और उसकी कृपा से ही निर्धारित होता है। सबका मालिक है वो, उसकी नजरे करम जिस पर हो जाए, वो नानक वो सब कुछ पा जाता है, तर जाता है इस भवसागर से। हिज ग्रेटनेस हैज नो मेजर, नो स्केल, इट्स अनफैथमेबल। नन बट ही, द वाहेगुरु अलोन नोज हिमसेल्फ। ओनली बाय हिज glances of grace, his blessings, his permission do we attempt to reach him. It's he who decides the course of our mortal journey on the earth. It's he who takes us through the Bhavasagar, ocean of worldly existence, towards our eternal, final abode.